अजय कृष्णन सचिव एचआरडीएस इंडिया ने सूचित किया है कि उनका संगठन केरल के वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन से पूरी तरह से नष्ट हो चुके चुरमला गांव का पुनर्निर्माण करने के लिए तैयार है, जिसके लिए सरकार को कोई वित्तीय दायित्व नहीं रहेगा। संगठन ने इस संबंध में केरल के माननीय मुख्यमंत्री को सहमति पत्र और परियोजना दस्तावेज सौंप दिया है। चुरलमला मुंडा कई क्षेत्र में हजारों परिवार इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एचआरडीएस इंडिया सभी बेघर हुए लोगों के लिए मुफ्त आवास का निर्माण करेगा। इस कार्य हेतु सरकार को पहले आवश्यक जमीन का अधिग्रहण कर उपलब्ध कराना होगा। आवास 2 BHK होंगे, जिसमें हॉल, किचन, बाथरूम, बरामदा और गेस्ट रूम होगा। आवास के अलावा एचडीआरएस इंडिया, पेयजल, बिजली, खेल का मैदान, सभागार, स्कूल आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण के लिए सरकार को 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना होगा तथा प्रत्येक घर के लिए 10 सेंट भूमि उपलब्ध करानी होगी। उक्त क्षेत्र में हैरिसम मलयालम प्लांटेशन तथा कन्नन देवन एस्टेट की हजारों एकड़ भूमि उपलब्ध है। सरकार इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि संपदा प्रबंधन से अधिग्रहित कर सकती है। लाभार्थियों की पहचान सरकार द्वारा की जाएगी। जिन लोगों ने इस आपदा में अपनी पूरी मेहनत की कमाई खोती है, उन्हें नए सिरे से अपना जीवन यापन शुरू करने की आवश्यकता है। इसके एक भाग के रूप में वायनाड की पर्यटन संभावना का लाभ उठाते हुए प्रत्येक घर में होम टूरिज्म के लिए एक अलग कमरा बनाया जाएगा। इस कमरे में बाहर से एक दरवाजा होगा तथा 2 बेड, भोजन बनाने की सुविधा, फ्रिज और अटैच बाथरूम, बरामदा आदि होगा। इससे दैनिक किराए के रूप में कम से कम 3,000 रूपए अर्जित किए जाएंगे। वायनाड के मुन्नार के रूप में जाने जाने वाले इस क्षेत्र में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को लाने की व्यवस्था एचआरडीएस द्वारा की जाएगी। एचआरडीएस एक विस्तृत परियोजना दस्तावेज तैयार करके जन प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक समिति के साथ इस पर चर्चा करेगा और DPR तैयार करके सरकार को सौंपेगा। No normal delays of government organization about which there is so much criticism about past incidents, some work has not been completed. So this will be done in a time-bound manner, and we are assuring we are fully capable of performing it on time, these 1,000 houses. If government decides that there are more families which lost, we are willing to increase this 1,000, 2,100, 1,200. And the beneficiaries are decided by the government only. We do not interfere. It is government who will decide who the beneficiary should be. We are only helping the government to reduce their costs and make things happen faster. Thank you. NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।